सत श्रीकाल जी बाजी टीवी वेख रहे हो तुसीं ते मैं जस्सी बड़ैच। दोस्तों गल करिए किसानी अंदोलन की संयुक्त किसान मोर्चा, सो साडे नाल बलदेव सिंह सिरसा जी अज मौजूद ने, गलबात करांगे। अज कई अहम खुलासे किए गए, चिट्ठी नूं लैके भी खुलासे किए गए, MSP नूं लैके भी। सो सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा बाजी टीवी। धन्यवाद। सब तो पहला जे चिट्ठी का जिहड़ा जिक्र आउंदा गा कि उस चिट्ठी की की सच्चाई आ, किहनां ने चिट्ठी लिखी, किहड़े साडे आगू चिट्ठी लिखण दे विच शामिल सी, किहनां दे चिट्ठी दे उत्ते साइन ने जिहड़े कीते गए ने। देखो जिहड़ी साइनां दी गल है ना, उह नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने कि जिहड़ा उहनां नूं गुप्त जिहड़ा उह रखा जांदा। उह जिहड़ी चिट्ठी लिखी है उहदे विच मुख आगू जिहड़े ने, जिन्हां दे राहीं पहलां गल्लबात चली सरकार दे नाल, जदों 22 जनवरी नूं लास्ट मीटिंग होई सरकार नाल, उस तों बाद सरकार नाल गल्लबात टुट गई। फिर उह जिहड़ी गल्लबात चलदी रही आ उहदे विच जिस तरहां कि सरदार बलबीर सिंह राजेवाल उहनां दी जबानी, इह जिहड़ी साडी गल आ इह क्लीयर होई आ 8 नवंबर नूं उहनां ने अपने मूँह तों इह गल कही। उन्होंने जो पूछा भी आ राजेवाल साहब जिहड़ी चिट्ठी है इहदी की गल है, सरकार नाल किवें गल चलदी है, उन्हें कहा कि ये बंदे मेरे को आए जिदे विच नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल ते वह मंत्रियों के नाल लेंदे ने भी केंद्रीय मंत्री मेरे को आए, तो मैं उन्होंने कुलवंत सिंह के फ्लैट पर लै गया। उत्थे जाके साडी गलबात हुंदी रही है, किन्नियां मीटिंगां होईयां किन्नियां नहीं यह उन्होंने पता है, लेकिन वह कहिंदा कि वह गलबात सिरेणा चढ़ी। उस तो बाद हरमीत सिंह कादियां जिहड़ा उहदे राहीं जिहड़ी आ उह श्री श्री रवि शंकर जिहड़ा उहदे नाल गलबात होई, लेकिन वह भी गल कहिंदे भी सिरे ना चढ़ी। उस तो बाद बूटा सिंह बुरजगिल ते जगमोहन सिंह जिहड़े ने उहनां दा राह दे चीफ दे नाल गलबात होई आ, तो कहिंदे फिर इत्थे आ के साडी सरकार नाल जिहड़ी सहमती बनी, जिहड़ी उह चिट्ठी लिखी गई, ते उह चिट्ठी ते गल आउंदी आ कि इन्हां चार बंदियां ने लिखी है, पर उहदे विच इनवॉल्व जिहड़े ने उह 20 तों 22 बंदे ने, उह उहनां नूं ज़्यादा पता है भी उह किहड़े किहड़े ने, ते उन्होंने जी चिट्ठी लिखी जिदे उन्होंने एक कानून रद्द, एक तो कमेटी, तो एक जो सूबे छड़ दिता जाए, ये चिट्ठी का मसला ये। सर की लगता सर जिस आधार से जो सा मोर्चा चलाया जा रहा है कि अनुशासन की गल की जा रही थी, दसिया कि मीटिंग उन्होंने कल्याण की, लगता कि अनुशासन फिर कितना कितने डामाडोल हो गया पिछे जाके? देखो डामाडोल ही नहीं होया, ये मैं ये गल कह कि जिन्होंने कुरबानी दी है वह ने लखीमपुर खीरी वाले, बिल्कुल जे कि उदों ये सितंबर के जो भी गलबात चल रही है तो उन्होंने दिनों के ही वो गल ज उधरला कांड वापर गया, तो वह काम इतने का इतने रह गया, नहीं तो यह जरा मोर्चे का पहला ही शायद हो सकता सी कि भोग पै जाता, जिदे सरकार के नाल ये गलबात कर रहे थे 20-22 जथेबंदियां सी, तो वह जोड़े से सरकार को चिट्ठी लिख के दे रही ने भी इन्ह इन्ह मुद्दों के उत्ते गलबात जी हो जाए तो असी तैयार हैं। जोड़े हम चिट्ठी लिख के दे रहे हैं तो वह हुण कुछ तो बंदे विच्चों उधरों कह रहे हैं भी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं, किसी दे साइन ही नहीं, तो कुछ बंदे ये गल कह रहे हैं जी अधिकार दिते सी, वो ठीक है अधिकार देते तुहानूं भी जे सरकार की किसी नाल गल चलदी है तो करो भाई, पर नाल ये भी फैसला सी भी उन्ना चिर कोई गलबात सरकार दे नाल फाइनल नहीं होगी, जे सरकार वालों कोई गल आउंदी है तो वह फिर जनरल हाउस दे विच रखी जाएगी, बिल्कुल जनरल हाउस रख के उत्थे फैसला लिया जाऊगा, फिर सरकार नाल गल होगी। सो इन्होंने बिना जनरल हाउस तो 20-22 बंद ने चिट्ठी जी सरकार अपने आप फैसला ने कर लिया। सो एक बड़ा वड्डा किसानों के नाल जिन्हों दी एड्डियां वड्डियां कुरबानियां, इन्हां खर्चा किया लोगों ने सब कुछ किया, तो यह समझते हैं कि उन्होंने नाल विश्वास कर। जदों आपां सरकार की संघी नप्पी सी, सरकार का सह लेना औखा सी, लगता नहीं सी कि जे थोड़ा जिहा सबर होर कर लिता जाता अज MSP भी सानू मिलती, अज उन्हां शहीदां नूं नौकरी मिलती, उन्हां शहीदां नूं पैसे भी मिलते, लखीमपुर खीरी वाला मसला भी हल होंदा, जे कितना कितने थोड़ा सबर कर लेंदे। काका जी बड़ी क्लीयर गल है भी इन्हां वल्लों चिट्ठी लिखण दे बावजूद सरकार तिने कानून रद्द कर दी है, 8 नवंबर नूं इह साडे ते इंप्रैशर पा रहे ने भी तुसीं मनदे नहीं गे, तुहानूं आ होणा, तुहाडे नाल आ होणा, तुहाडे नाल आ होऊगा, तुहानूं किसे ने पुछणा नहीं, ते 8 नवंबर नूं साडे नाल इह बहस करदे आ ते 19 नवंबर नूं तिने कानून रद्द हो जांदे आ, जो असी जेकर अपने स्टैंड ते रहिंदे ते असी सब कुछ उत्थों करा के आउणा सी। इह गल बिल्कुल ठीक है भी असी जिहड़ा इह जिहड़ियां जिन्हां ने चिट्ठी लिखी, जिन्हां ने अंदर कते गलबात कीती, बाकी लोगों भी भरोसे च नहीं लिया, ये उन्होंने मतलब मोर्चे के नाल एक किस्म की वादा खिलाया। सर साडी एक वीडियो भी सानू याद आउंदी है कि जदों राजा साहब के सवाल उठे सीगे तां तुसीं उदों सामने आए सीगे, तुसीं उह मसले नूं निपटाउण की कोशिश भी की सीगी, हर उस मसले नूं निपटाउण की कोशिश की है बलविंदर सिंह सिरसा होरां ने, लगता नहीं सी कि तुसीं सीनियर आगू सीगे, हर मसले दे विच नाल होना चाहिए सीगा, उदों जे तुसीं ना उह मसला हल करदे मिलदा उदों ही साडा अंदोलन डामाडोल हुंदा सीगा।
देखो साड़ी उत्थे एक जिम्मेवारी बनती सी कि असीं सारे इत्थे आए हाँ, जे राजेवाल ने निहंग सिंघां दे खिलाफ निशान साहब के खिलाफ उत्थे ओह बोल दिता ते मैं उन्हूं तुहाडे सामने उस चीज़ की माफ़ी मंगी, झोली अड के माफ़ी मंगी भी जे लोक तुहाडे उस जवान दे उत्ते उत्थे टिक गए सीगे भी। हाँ जी हाँ जी, वह तुहाडे सामने ही सारा कुछ उत्थे लोकां दे सामने। साडा मकसद की सी? साडा मकसद ये सी कि असीं बड़ा वड्डा काज लैके चले और ये जे एक आदमी गलती भी करता है तो वो गलती नज़रअंदाज करके तो आप माफ़ी मंग लो तो लोगों को जोड़ा है वो शांत रखो। जे शांत रहेंगे तो मोर्चा जितेंगे, तुहानू पता है कि जे शांतमई रहे तो तिने कानून काले रूण रद्द करके, और तुहानू ये भी पता है जे शांतमई मोर्चा इतने एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर अगे चलिया बेशक 4 महीने चलिया पर वो भी आप जिहड़ा सी वो मसला हल कराए गए हैं, दोषियों के खिलाफ पुलिस परचा भी होया, किताबा बैन भी हुई ने। सो शांतमय संघर्ष जिहड़ा वो हमेशा जितया जांदा ते जदों जिहड़ा भी संघर्ष कोई अशांत हो जाए जिस तरह के साडे बहुत वड्डे हमले साडे ते हुए, अकाल तख्त ढा दिता, किन्ना नौजवानों का खतना करता, वो है की सी मंगा की सी? मंगा तो आनंदपुर प्रस्ताव सी ना जिहड़ा पूरे भारत के लोगों की लड़ाई लड़ रहा सी, लेकिन उन्होंने एक हवा बना दता, हवा बना के ते अकाल तख्त ते टैंकां ते तोपां नाल हमला किया गया ते असी वो तजर्बे चो सिख्या सी कि जे ये संघर्ष जिहड़ा हुण अंदोलन शुरू किया ये शांतमई रखना, इस करके मैं उदों अपनी एक जिम्मेवारी निभाउंदा रहा। सो सर की लगता कि जोगिंदर सिंह उगराहा अक्सर संयुक्त किसान मोर्चे सो दूरी बना के रखी है कि लगता नहीं कि सही से उन्हों का अपना एक लहजा से उन्हों का एक अपना अपना सी उन्होंने असूल अपने से नहीं? देखो जड़िया मीटिंगा होंगे रही सरकार के नाल उन्होंने भी वो शामिल होंगे सी, जड़िया बाकी भी मीटिंगा हुई ने उन्होंने भी वो गलबात करते ही रहे ने। इन्ना नहीं, ये ठीक है कि उन्होंने लोग जोड़े से वो स्टेज उन्होंने वक्री चलती सी तो उस स्टेज पर नहीं बोलते, बाकी तो उस दिन तो राज फिर भी मैं किसी बारे कुछ नहीं कह सकता कि फलाने ने की किया, ढिंगले की किया, उगराहा की कर रहा, ज सतनाम सिंह पन्नू तो सरवण पंधेर वो की कर रहे हैं, असं किसी पर टिप्पणी कर सकते, उन्होंने अपने हिसाब ना काम करना ही अपने हिसाब। लगता नहीं जे कि चोणा ना लड़िया जाएँ तो लोगों का जो विश्वास है लोग कहते जो कि एस के एम वालों कोई ना कोई बयान आता सगा तो लोग धड़कन रोक के उस बयान सुनते उससे अमल करते जो ये कितने ना कि सियासत जाते हैं लोगों का जो डामाडोल हो रही लोगों का विश्वास भी टुटे। असल गल है कि इन्हों भुलेखा कि ये जिन्हें लोग आ रहे हैं साढ़े कह त्यार पर लोग अपने हितों वास्ते गए जदों तुम ये वेखो कि इदों वड्डी भी कोई गल होगी भी राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां ने साडे तों मिलण वास्ते टाइम लै रही। हाँ असीं अंदर बैठे वो बाहर बैठे और वो मीटिंगां वास्ते जिहड़ा साडे तों टाइम लै रहे ने, फिर इदों वड्डी होर की मिसाल हो सकती है? इदों वड्डी शक्ति सानूं होर की मिल सकती है? पर अफसोस है कि साडे कुछ भरावां ने इस पासे नूं जा के, ठीक है राजनीति माड़ी नहीं, पाप नहीं, जुल्म नहीं, पर जिहड़ा अजे काम अधूरे ही साडे वो पूरे करके जिन्हें लड़न ही यार लड़ लेंगे। असल जे कि 2024 टारगेट किया हों तो उस टाइम के उत्ते असी 94 बंदे लिया के लोगों के सामने लिया कि भाई एक पास आह लोग ने तो जड़ा हैगा सी यूपी मिशन उन्होंने बनाया जाता यूपी के प्रचार जाके हों किसान जथेबंदियों का तो वह प्रभाव कुछ होर पैना सी, इस करके ये गलतियां जड़िया ने यह हुई ने। जे गलतियां ना होंदिया तो फिर ये जरा मोर्चे में एडा बड़ा डेंट पाया जोड़ा लोगों का भरोसा गया, अज लोग फूक फूक के पैर रख रहे हैं, कोई किसी को माड़ा कह रहा कोई किसी को माड़ा कह रहा, पर असल दोषी कौन है ये लोगों सब जब तुम 22 तरीक की कॉल दी है 22 तरीक में की योजा जो स्टैप अगला चक्या जा रहा? 22 तरीक में तो असं उ जंतर मंत्र से इकट्ठी कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सरकार को दस रहे हैं भी तुम 22 तो पहल आ जड़िया साड़िया मंगा ने MSP आ जा लखीमपुर खीरी वाला केस है उन्होंने जड़ा जे साडे किसान जड़े अंदर जे बंद किए नजायज उन्होंने रिहा किया जाए तो उन्होंने जमानत जड़िया ने करवा के हूँ क्योंकि प्रोसैस चल रहा कोर्ट के हूँ सीधा तो नहीं वो फर्ज तो यह बनता है कि वह परचा उन्होंने रद्द होना चाहिए से वो अज भी हो सकते हैं तो इस तरह जिन्हें परचे हुए ने दिल्ली के हरियाणे हुए ने वो रद्द होने चाहिए MSP जी कानून बनना चाहिए उत्ते कानून के आधार देते लागू होनी चाहिए है ये जड़िया चीज़ा ने इन्होंने लैके असी जो उकाल दी है सरकार को तो असी इस करके 22 तरीक का जरा इकट्ठ उत्ते जंतर कि जथेबंदी तुम्हारे सहमत हुई है कि जथेबंदी के लीडर है जो 22 तरीक में जंतर मंत्र दे जा रहे हैं? तुम देखो कि अज कि जथेबंदी ठीक है ये तुम्हें सारा अपने आप ही पता लग जाएगा, ये गल जी है दसन की लड़ नहीं, तुम वेख लेना 22 तरीक मेहरबानी सर। बिल्कुल जी गल करिए कि
जो किसानी अंदोलन का जिक्र आता तो बहुत सारे उदो मुद्दे होंगे कि 22 तरीक नूं एक बार फिर कॉल दी गई है दिल्ली जंतर मंत्र विखे इकट्ठे होने की, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उदो अधूरे भी रहे हैं। वो MSP की गरंटी भी है, साडे लखीमपुर खीरी के जो किसान शहीद होए ने उन्हां दा मुद्दा भी आ, होर बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े हाले अधूरे ने जिन्हां नूं कि सरकार नूं एक चेतावनी सरकार नूं एक करारी जिहड़ी चोट आ उह जरूर पहुँचाई जाएगी दिल्ली जंतर मंत्र ते फिर एक बार इकट्ठे होने का जिहड़ा सुनेहा SKM दे वल्लों दित्ता गया है।